और बात कर रहे थे सीमा हैदर पर बन रही फिल्म का टाइटल रिजेक्ट कर दिया गया है। टाइटल कराची टू नोएडा रिजेक्ट हुआ है। मुंबई की एफएमसी ने कैंसिल किया टाइटल। हमारे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, सीमा हैदर पर जो बन रही थी फिल्म, टाइटल जो दिए गए थे उसे फिलहाल रिजेक्ट कर दिया गया, और क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि लगातार जो अमित जानी है उनकी फायरफॉक्स करके कंपनी है, वो पिक्चर बना रही थी, गाना रिलीज कर रही थी, टीजर रिलीज कर रही थी, और अब जो खबर सामने आई है उसमें जो कराची टू नोएडा टाइटल दिया गया था उसको कैंसिल कर दिया गया है। मुंबई की संस्था है एफएमसी, उसने ये टाइटल कमेटी में डिस्कस होता है उसमें कैंसिल कर दिया गया है। मॉब लिंचिंग एक वेब सीरीज भी ये लाना चाह रहे थे, उसका भी टाइटल कैंसिल कर दिया गया है। फिलहाल एक बड़ा झटका लगा है, लेकिन जिस तरीके से एफएमसी ने ये डिसीजन लिया उसके बाद अमित जानी लगातार आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि जो मनसे है, राजनीतिक दल है महाराष्ट्र का, उसके निर्देशों पर ये हुआ है। फिलहाल उनका कहना है कि इसको दोबारा से अप्लाई किया जाएगा और इस पर जो है पैरवी भी की जाएगी, लेकिन जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक अब जो पिक्चर बन रही थी कराची टू नोएडा उसका टाइटल पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया गया मुंबई की संस्था द्वारा। जी शुक्रिया जानकारी के लिए हिमांशु। आगे बढ़ते बड़ी खबर लखनऊ से। 50,000 का इनामी गिरफ्तार हो चुका है। इनामी बदमाश अनीस उर्फ गुड्डू को अरेस्ट कर लिया गया है। यूपी एसटीएफ ने बरेली से गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, गौवध के आरोप में फरार चल रहा था अनीश। बरेली पुलिस ने अनीश पर इनाम भी रखा था। पहचान छिपाकर मीट फैक्ट्रियों में ये काम कर रहा था, जिसे अब पकड़ लिया गया है। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, 50,000 का इनामी है ये। हरदोई में 3 साल के मासूम आरव की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया है। मासूम के हत्यारे अंबुज पांडे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। हत्यारोपी ने बताया कि उसने फिरौती के लिए मासूम की हत्या की थी। इसके साथ ही क्राइम पेट्रोल सीरियल को देखकर भी उसने पूरा प्लान तैयार किया था और खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। ये रिपोर्ट देखिए। हरदोई में 3 साल के बच्चे की हत्या का खुलासा। क्राइम पेट्रोल देखकर किया मासूम का मर्डर। पड़ोसी ने ही की थी 3 साल के आरव की हत्या। हरदोई जिले की इस घटना के खुलासे ने सबको हैरान कर दिया। पुलिस ने पाली कस्बे में बीते शुक्रवार को हुई 3 साल के मासूम आरव की हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा किया है। पाली पुलिस ने मासूम बच्चे के हत्यारे अंबुज पांडे को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे जेल भेज दिया गया है। इस केस का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि आरोपी ने यह कबूल किया है कि उसने फिरौती के लिए मासूम की हत्या की थी। परिजनों ने पहले ही आरोपी पर शक जाहिर किया था। पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था, लेकिन तीसरी आंख ने हत्या आरोपी के सारे गुनाहों से पर्दाफाश कर दिया। पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। विगत 18 तारीख को थाना पाली में एक 3 वर्षीय बालक की हत्या कर दी गई थी। परिजनों द्वारा एक व्यक्ति के ऊपर शक किया गया था, किंतु अन्य कोई साक्ष्य उसमें नहीं था उसकी संलिप्तता के बारे में। अभी इसी माह जो थाना पाली के कस्बा जो है पाली, जहाँ बच्चे की हत्या हुई थी, वहाँ जो नए कैमरे लगाए गए थे अथवा उनका पुनर्व्यवस्थापन किया गया था, उसी से खुलासा हुआ। पुलिस ने इस केस का खुलासा करते हुए कहा कि हत्यारोपी अंबुज पांडे ने मासूम आरव की हत्या करने के बाद भगवंतपुर स्थित एक कारखाने में जाकर अपने कपड़े भी बदले थे। अंबुज पांडे काफी दिन से क्राइम पेट्रोल टीवी सीरियल देखता था और इसी से प्रेरित होकर उसने 3 वर्षीय मासूम आरव की हत्या की थी। अंबुज पांडे के मोबाइल को पुलिस ने खंगाला तो उसमें क्राइम पेट्रोल सीरियल देखने की हिस्ट्री मिली। बता दें कि सराय सैफ निवासी हरिओम पांडे के 3 साल के इकलौते बेटे आरव का शव पाली कस्बे के बीचों बीच बस अड्डे के पास पंत इंटरमीडिएट कॉलेज के खेल मैदान में झाड़ियों में पड़ा हुआ मिला था।
इसके बाद परिजन उसे आनंद फानंद में शाहजहांपुर के एक निजी अस्पताल ले गए, जहां उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। पुलिस इस मामले में गहन जांच पड़ताल कर रही थी और आखिर में उसे सफलता भी मिली। कि जो व्यक्ति जिसके ऊपर शक किया गया था वो बच्चे के आसपास भी दिखाई दिया घटना के समय, साथ ही साथ वो अन्य कैमरों को देखने पर ज्ञात हुआ कि वो जो कपड़े पहना था जाते समय उन कपड़ों में दिखाई दिया और आते समय दूसरे कपड़ों में दिखाई दिया गया। जब उसको इन साक्ष्यों के साथ उससे पूछताछ की गई कड़ाई से, तब उसने कबूल किया कि उसके द्वारा क्राइम पेट्रोल देख करके मन में एक योजना बनाई गई थी कि कैसे बच्चे को मार करके और कुछ दिन बाद यदि बॉडी नहीं मिलती है तो रैंसम की मांग की जा सकती है, इसके तहत ही हत्या की गई थी। मृतक के पिता ने पड़ोसी अंबुज पांडे के खिलाफ शक के आधार पर मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में सीसीटीवी फुटेज, टेक्निकल सबूतों और दर्ज मुकदमे के आधार पर मासूम के पड़ोसी और खानदानी अंबुज पांडे को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की पूछताछ में अंबुज पांडे ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। आरोपी ने खुलासा किया कि उसने पहले मासूम का गला दबाया और उसके बाद उसे पत्थर पर सिर के बल पटक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए पत्थर को भी बरामद कर लिया है। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।